आज का हमारा लेसन है डेमोक्रेसी। आवर्स इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हमारी जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ हर कोई बराबर है, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहाँ लोग खुद अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, और हर एक को वोट देने का अधिकार है अगर वो 18 ईयर से ऊपर है। ये इंडिया का है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू चैलेंज एवरीथिंग दैट इज़ अनजस्ट। हर एक को, हर सिटीजन को, नागरिक को ये अधिकार है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है, अनजस्ट कुछ भी गलत है, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है, उसके विरोध में आवाज़ उठा सकता है। विलेज पंचायत्स आर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एट लोकल लेवल। अब देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सबसे ऊपर तो एक पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। अब जैसे इंडिया का केस ले, तो जो सबसे पहले जो अब गवर्नमेंट है वो पीएम मोदी की, बीजेपी की गवर्नमेंट है। फिर हर एक स्टेट्स की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे यूपी की अपनी अलग गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की अलग गवर्नमेंट है। फिर उसके नीचे आती हैं लोकल गवर्नमेंट्स, यानी जहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं तो वहाँ पंचायत होती है, और यहीं सिटीज़ शहरों में होते हैं आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये वही कह रहा है कि विलेज पंचायत जो है वो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है लोकल लेवल पे। डेमोक्रेटिक क्यों? क्योंकि पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं या लोकल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, उनको भी हम लोग चुनते हैं। दे प्रोवाइड अ फोरम फॉर द पीपल टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन इश्यूज कंसर्निंग देयर लाइफ इन विलेज। तो इसमें क्या होता है, लोकल लेवल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं गाँव में रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो भाई मैं हायर लेवल, जो मेरी स्टेट की गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, उसके पास तो मैं नहीं जा सकती। लेकिन जो पंचायत के लोग हेड हैं, वो तो मेरे गांव के ही हैं, मैं उनके पास जाके तो अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हूँ ना। तो ये लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, ये लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से नॉलेज देती है। लोगों को पता चलता है कि थ्रू डेमोक्रेसी वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो जिनको चुनते हैं लोकल लेवल में, उनके आसपास ही वो लोग रहते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप देयर आर मैनी सच इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल्स, वो मैंने आपको बता दिया। फेडरल सिस्टम में जो होता है, द डिफरेंस लाइज इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन ईच कंट्री। हर एक कंट्री में जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, अलग अलग हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप विच गारंटी सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल इट्स पीपल इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज। कहते हैं अब जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो हमें ये गारंटी, कुछ बेसिक राइट्स हमें देता है। 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप आगे पढ़ोगे, पूरे लोगों को देता है, जिसमें हर एक को आज़ादी है कहीं भी कुछ भी चूज करने की। However, the rule of law make everybody, irrespective of one social status, religious, caste or gender, equal before the law. लेकिन एक और बात भी है, rule of law जो है हर एक को, चाहे उसकी कोई भी caste है, धर्म है, gender है, आदमी है, औरत है, वो सब कानून के आगे equal है, और यही democracy का मतलब होता है। So what is democracy? तो अब आप वही पढ़ेंगे कि ये दूसरी government से कैसे अलग है। Form of government. To understand democracy, what democracy is, we first need to have an idea about the other form of government. अगर डेमोक्रेसी के बारे में हमें जानना है, तो हमें दूसरी गवर्नमेंट के बारे में भी जानना होगा। जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की है, इसमें क्या होता है, रूल बाय अ किंग और अ क्वीन, जो कंट्री पे एक राजा या रानी राज करती है। वो आप पढ़ चुके हो, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इंडिया में मुगल्स का शासन, राजपूत, मराठास, तो वो राजा थे जो पूरे अपने एरियाज पे राज करते थे। इसके बाद एक और गवर्नमेंट होती है डिक्टेटरशिप, उसका मतलब होता है रूल बाय एन अनइलेक्टेड ऑल पावरफुल डिक्टेटर्स। जैसे अब चाइना में आप कह सकते हैं, आप रशिया में भी कह सकते हैं, कुछ लोग या कोई एक लोग राज करता है, और ये जो है लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। चुने भी जाते हों तो वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि मान लो चाहे वो चाइना का चुना ही जाता हो लोगों द्वारा, लेकिन चुनना ना चुनना, एक रियल मायने में इलेक्शन होना, लोगों के पास चॉइस होना, ऐसा नहीं होता। लोगों को हार के उसी को चुनना पड़ेगा, तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वोट करने जाएं या ना जाएं, आना
जो है उसी ने है। एज अ हेड ऑफ द स्टेट बोथ मोनार्क एंड डिक्टेटर हैव एब्सोल्यूट पावर एंड आर अबव द लॉ। तो अगर आप देखें स्टेट के हेड के रूप में मोनार्क और डिक्टेटरशिप में पूरी पावर्स होती है और वो लॉ से ऊपर होते हैं, मतलब उनके लिए कोई नीचे लॉ नहीं है। एक जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने राज से नहीं चलती, माना उन्हें हम चुनते हैं, वो चलाते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, कंट्री को चलाते हैं, लेकिन हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखे होते हैं ना, जिनको भी आप चुन के भेजते हैं, जो भी आपकी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन यहाँ पे मोनार्क और डिक्टेटरशिप अपना ही राज चलाते हैं, उनको किसी को जवाब नहीं देना, लोग कुछ भी बोलते रहे वो किसी की भी नहीं सुनते, जैसे हिटलर आपने सुना है जर्मनी का। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल का क्या मतलब है कि उनको लोगों का जवाब नहीं देना। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहाँ पे दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अगर आज हम कुछ पूछते हैं तो उनको हमें जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो जो भी हम क्वेश्चन करें गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं है। एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ अ किंग और डिक्टेटर। डेमोक्रेसी अलग है, इट स्टैंड फॉर पीपल्स रूल, ये लोगों के रूल के बारे में है। पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्शन। अब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं बनाने में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शंस। कैसे? अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब मैं एक इंडिया का सिटीज़न हूँ, मैंने वोट दिया, जो भी चुन के आई वो इंडिया की गवर्नमेंट को चला रहा है, लेकिन मैं खुद जाके तो गवर्नमेंट को नहीं चला रही ना, इनडायरेक्टली मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं वो चला रहे हैं। लेकिन वहाँ जहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टली इलेक्टेड एंड डायरेक्टली रन बाय पीपल, इसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन इतनी पॉपुलेशन होने में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल है ही नहीं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। देन द डिग्निटी शुड बी डीपली एम्बेडेड इन पॉलिटिकल सिस्टम बट इन इकोनॉमिक एस्टेब्लिश देयर शुड बी